और हमारे भाई पैट बाधक जी, सुगर जी और हमारे सोनू भाई ऑर्गन प्लेयर जहां भी हो मंच में आवे। केवट भैया, ये राम पुकारे आजा, ये राम पुकारे आजा, केवटी भैया राम पुकारे आजा, ओ केवट भैया आजा, ये राम पुकारे आजा, ओ केवट भैया आजा, हम आए हैं ये बन, मन में है ये लगन, हमें गंगा पार लगा, ये राम पुकारे आजा, अभी तक नहीं आ रहा। केवट भैया आओ, हम तुम्हारे घाट पर खड़े हैं। केवट भैया, केवट भैया मेरे भैया, मेरे भैया, कब से तुम्हें पुकार, कब से गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार, गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार, कब से तुम्हें पुकारे पुकारे, कब से तुम्हें पुकारे, सुन लो मेरी पुकार, गंगा के तट गंगा पार।
देखो हम तुम्हारे घाट पर कब से खड़े हैं, तुम्हें आवाज लगा रहे हैं, क्या हमारी पुकार तुम्हारे कर्णों तक नहीं पहुंच रही। केवट भैया जल्दी आओ और हमें गंगा के पार लगाओ। हो वचन सुनो अरज सुनो मेरी केवट भैया, अरज सुनो मेरी केवट भैया, लाओ लाओ जल दी किनारे लाइबे में परेशानी हो रही है। अरे इनके रूप को देख करके तो मन इनकी ओर आकर्षित हो रहा है। बड़ी अद्भुत है, साधु का रूप है, लेकिन देखते हैं कंधे पर धनुष टंगा हुआ है। इस प्रकार से हमारे सामने इनका दर्शन, जय हो गंगा मैया की। कौन हो सकते हैं? मेरे घाट से मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया पर नैया नहीं। सब कुछ है, विधि ने
राजा बनाया जाएगा। सबने सुना था राजा बनूंगा, राजा ना बन पाया। सबने सुना था राजा बनूंगा, राजा ना बन पाया। ऐसा विधि ने चक्र चला, लोग सुन रहे हैं बड़ा ही सुंदर राम केवट संवाद। और देखिए एक विशेष बात की ये जोड़ी इस समय बुंदेलखंड में धूम मचाए हुए है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर अभिनय को अभिनीत कर रहे परमादरणीय पंडित श्री रोहित पांडे जी और केवट राज की सुंदर भूमिका पर आदरणीय पंडित श्री जितेंद्र कुमार जी शुक्ला जो कि आप ग्राम धवल से हैं। इसी सुंदर प्रस्तुति को सुनकर आप हैं आदरणीय श्री रवि शुक्ला जी जो कि ग्राम धवल से जिनका आगमन हुआ है, आपकी ओर से ये 500 पुष्पोत्तराएं व्यासपीठ और केवट राम सुंदर संवाद पर प्रदत्त बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक जो आता था कहता एक केवट अपनी नौका लेके आओ, लेकिन आज कोई मुझे मेरे नाम से बुला रहा है। विशेषता है मेरे नाम से मुझे क्यों बुलाया, मेरे नाम से। जिस प्रकार से लोग काम चलाओ, हम भी चला रहे हैं, तुम भी चलाओ। आपने जिस समय मेरा नाम लिया तो मैं समझ गया कि कोई अपना जान पहचान वाला है। ज्यादा अच्छे के चक्कर में बर्बाद ना करो, इसको कम करो।
इसका गेन घटाओ। मेरे नाम से मुझे क्यों बुलाया, मेरे नाम से मुझे क्यों बुलाया। मैंने प्रश्न यही किया है, आप हमें कह रहे हैं कि परिवर्तनशील है, ये है वो है, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन अभी तक जो आता रहा उसने केवल कहा है केवल ही आओ, लेकिन आप हमें हमारे नाम से बुला रहे, इसका मतलब आप हमें जानते हो, और जानते हो तो कैसे मेरे नाम से मुझे क्यों बुलाया, मेरे नाम से मुझे क्यों बुलाया। मैं नैया नहीं लाया पर दौड़ा चला आया, मेरे नाम से मुझे क्यों बुलाया, मैं नैया नहीं लाया पर दौड़ा चला आया। मैंने नाव मांगी थी लेकिन आप अकेले चले आए। मैंने घाट पे तुमको बुलाया, मैंने घाट पे तुमको बुलाया, तू भागा तू भागा चला आया, पर नैया नहीं लाया। पर आप हैं आदरणीय भाई श्री शत्रुघ्न जी नालवादक, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री रामचंद्र जी और भक्तराज केवट के सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, केवट भैया आप हमसे हमारी नौका मांग रहे हैं। क्यों क्यों नौका मांग रहा हूं? क्योंकि ओ तापस पे विशेष उदासी 14 हमें नौका की क्यों जरूरत है? तापस में से विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। तो अब कौन आप महिलन में हो, अब हूं तो जंगल में हो महाराज, तो नदी पार करें के का जरूरत है? हिया जंगल है, हुआ जंगल है, यू जंगल है, ये जंगल है तो है, यहां जंगल की तो यहां से शुरुआत है, यहां निस्तार है वहाँ विस्तार है, मतलब वहाँ बहुत बड़ा जंगल है, बड़े जंगल में जाना है अवश्य। और हमने सुना है अत्रियाति मुनि वर बहु पसाई करहि जोगे जप तप तन कसहि, अत्रियाति मुनि वन में महामुनि अत्रि जैसे तपस्वी रहते हैं। केवट भैया मैंने तुमको ये वचन सुनाया, तुम्हें घाट पे मैंने बुलाया, तू भागा चला आया पर मैया नहीं लाया। हो मेरी माँ ने वन को पठाया, मैं आज्ञा लेके आया, मैं दौड़ा चला हमारी प्रार्थना है।
केवट, लेकिन हमने कुछ और सुना है। वही है वही जो राम रच रखा, को करी तर्क बढ़ा वही साखा। केवट भैया, अगर ऐसा है होता वही है जो आप चाहते हो, तो फिर हाय बाबा का भेष है बनाया। वशिष्ठ जी की पाठशाला में यह पढ़ाया जाता था। काहू का सुख दुख करता, हमें वही मिलता है जैसा हम कर्म करते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचिरा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान, चलिए महाराज आपने कहा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो ये नियम हम मनुष्यों के लिए लगता मेरे भैया तुम, ये ना ना ना। मेरे भैया तुम मेरा घर बुलाए, भैया अपनी ले आओ। मेरे भैया तुम मेरा घर बुलाए, भैया अपनी ले आओ। मेरे भैया सुंदर प्रस्तुति में आप आदरणीय श्री सुरेंद्र राजपूत जी बरहारा, आपकी ओर से भी ये सौपुष्प मुद्राएं संपूर्ण लोथड़ से प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में और भक्तराज केवट के सुंदर अभिनय पर प्रभावित होकर प्रदत्त कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने आप लोग, आनंद लें। इधर प्रभु ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अवश्य जीवन में कर्म की प्रधानता है, जो जैसा करता है उसे वैसा मिलता है, अवश्य अच्छी बात है। लेकिन हमने तो कुछ और सुन रखा है। सुना है राम कीन चाहई सो होई, करे अन्य था अस नहीं कोई। इस दुनिया में वही होता है जो मेरे राम करते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अगर ऐसा है तो ये हम मनुष्यों के लिए है और आपके लिए नहीं है। इसी सुंदर प्रस्तुति पर आप है भाई आरिफ, आरिफ भाई की ओर से भी कीस पुष्प मुद्राएं। इसी सुंदर प्रस्तुति पर हृदय से साधुवाद है। देखिए बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा है और यदि आप लोग सुनेंगे तो वास्तव में आनंद आएगा। ऐसे कलाकार बड़ी मेहनत के साथ एकत्र किए जाते हैं, जो एकत्र करता है उनके हृदय से पूछो। सुने आप, इधर प्रभु ने कहा नहीं, सरकार 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 यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। आपने कहा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, तो हमने कहा कि होई है वही जो राम रच राखा। कर्म अपनी जगह है, होना वही है जो तुम चाहते हो, क्योंकि और भी इससे लगा हुआ है। क्या कर्म सुबह शुभ दे विधाता, वहां ये है लेकिन यहां पर शुभ अरुप का शुभ कर्म मनुहारी ईश दे तो फल हृदय विचार। अगर ऐसा है तो
अगर उस माया के चक्कर में, उस कर्म के चक्कर में परमात्मा भी फंस सकता है तो आपने वो चक्कर बनाया काहे? केवट भैया, बनाया काहे है? ये मेरा प्रश्न है आपसे, क्यों बनाया? काहे माया का चक्र ये बनाया? माया क्यों बनाया? संसार में माया उस पर लिप्त नहीं होती जो माया से लिप्त नहीं होता। क्यों महाराज? महाराज, दुनिया दुनिया में एक साधारण बात कही जाती है कि ऐसा सोना ना पहनो जे मकान फटे। केवट भैया, नहीं नहीं, देखो कहते हैं कि नहीं, सोने का अंश यदि सोने से अलग किया जाए तो उसे सोना ही कहा जाएगा, चांदी का अंश यदि चांदी से अलग किया जाए तो उसे चांदी ही कहा जाए, फिर जीव भी तो ईश्वर का ही अंश है। हमारा ये विषय नहीं है। ईश्वर का अंश ईश्वर ही रहता है, लेकिन जिस समय माया से ग्रसित हो जाता है वह जीव हो जाता है। हमारा ये विषय नहीं है, आप हमारी बात समझो। ऐसो सोनो काहे पहनो महाराज जे मां कान फटे। अगर उस माया में हम तो फंसे हैं, चलो ठीक है। और आप हैं भाई आदिश, आपकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं इसी सुंदर संवाद पर प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भाई समय अगर उस माया को आपने बनाया है तो उस माया में हम सब तो फंसे, लेकिन तुमहू फंस जाओ तो ऐसा माया का चक्र काहे बनाया है कि जिसमें खुदे फंसना पड़े। हम माया तो ऐसा सोना ना पहनो जिमा कान फटे। केवट भैया, हम माया से ग्रसित नहीं है, माया से तुम ग्रसित हो रहे हो और माया से संसार में। केवट भैया, अब आप ही कह रहे थे कि हमको भेजा गया है कर्म के आधार पे। अवश्य केवट भैया, क्योंकि सृष्टि में आने के पश्चात विधाता का ही नियम लागू होता है। फिर काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। वहाँ यातनाएं मिलती हैं और वह पीड़ित कराहता है, कहता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, हो प्रभु हमको ये क्षमा तुम कर दो, तुम्हारा भजन करूंगा। प्रभु हमको संसार में जीव आता है, माया ने उसे लपटाया, माया ने उसे लपटाया, वो बच नहीं पाया, वो बच नहीं पाया।
हम चाहते हैं आप वह उपाय बताएं जिससे आपकी नौका गंगा के पार जाए। अल्लो महाराज, उपाय बताने की जरूरत नहीं, अबे आप तमसा नदी पार करके आए हो, कैसे आए हो भाई? तमसा नदी तो अभी आप पार करके आए हो, तो वैसे यहां से भी चले जाइए, कौन दिक्कत? तमसा नदी तो पार करे हुई हो महाराज। तमसा नदी में सेतु बना है, सुमंत्र जी रथ से लेकर आए हैं श्रृंग में, सेतुआ बना है अवश्य रथ से, के चौथे चरण में रथ से हम आए हैं। केवट भैया, हम रथ से श्रृंगवेरपुर तक आए हैं। जय हो प्रभु, आप सही पर्वत चढ़ करके आए, हमको सब पता है, आप हमसे मीठी मीठी ना बोलो। केवट भैया, पर्वत आपने नदी को पार नहीं किया, लेकिन सही पर्वत से चढ़ करके आप पर्वत को रथ कैसे पार करें? हाँ, रास्ता होता है, पर्वत में भी रास्ता होता है महाराज। अब आप ये बताओगे तब तो संसार फिर क्या कहेगा महाराज। हम केवट यही घाट सांचे चतुर सुजान, जो आज्ञा हो आपकी लैया बे जलियान। हमें गंगा के पार जाना है, आपको आप नौका लाएं और हमें गंगा के पार लगाएं। केवट भाई, नहीं महाराज, आपके विषय में जो सुन रखा है उसके चलते हम अपनी नौका नहीं ला सकते हैं। क्या सुना है केवट भैया? सुल्तानों की जादू है, कहां ये राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान इन चरणों में। इसलिए महाराज, हम गरीब आदमी ई नौका मा चरण लगते हमारे, अगर नौका लुगाई बन गई महाराज तो हमारी तो दशा हो गई है। जब से रज का प्रभाव ये पत्थर और शिला पर है, मेरी नौका जाते डर लगत है। अगर आपके चरणों की रज से ये नौका लुगाई बन गई तो ना कोई जर है ना कोई जरिया, खाली नजरिया का कर बे, और सबके घर में एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का कहा कर। तुम्हें इस बात का भय है? हम डरता हम महाराज। केवट भैया, हाँ, एक एक बर्दाश्त नहीं करे पा रहे, दूसरा आ जाए तो सत्यानाश हो जाए। डरो नहीं, अगर तुम्हारी नौका नारी बन गई, पहली बात ऐसा होगा नहीं, हमारे चरणों की रज न जाने कितने पत्थरों पर पड़े लेकिन वह नारी नहीं बनी। एक तो बनगा रहा है अवश्य, उसमें विशेष कृपा पूज्य गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी महाराज। तुम्हारी कृपा को कोनो भरोसा नहीं है, क्योंकि विश्वामित्र जी एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने आदेश दिया और हमने अपने चरणों की रज उस पत्थर पर छोड़ी। महाराज, चौन धनुष का उठावे खातिर 10,000 राजा परेशान रहे, वही का चुटकी में उठा के तोड़ डाले रहो, तुम्हारा कोनो भरोसा नहीं है। केवट भैया, हाँ, तुम डरो नहीं, अगर तुम्हारी नौका नारी बन गई तो हम भैया भरत से कह के तुम्हें दूसरी नौका। हमें दूसर न चाहिए, हमें पुरखन के निशानी आए हो, हमें माफ करो महाराज। नाव ना नारी, नाव ना नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने से। हम तो भाई डरत है, गरीब आदमी चौमासे की पूरी व्यवस्था करके डरत है, कभी का जरूरत पड़ जाए। नाव ना नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने से, रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने से।
अब उपाय सुन ले। उपाय बताओ के प्रभु में पांव पखारूंगा, प्रभु में नाव चढ़ाऊंगा, प्रभु में तरण पखारूंगा। बने तुम्हारी हमें बिठाने, इतनी देरी क्यों करते हो नैया लाने में, हमें तुम पार लगाओगे अपनी उतराई पाओगे, हमें तुम पार लगाओगे अपनी उतराई पाओगे। देखो महाराज, ये हमें न बताओ कि तुम अपनी उतराई लो, अवश्य जाहे में प्राणन को संकट होए होते किराया ले हो। बताओ भाई, केवट का कार्य यही तो है, इस पार से उस पार यात्रियों को करना और उससे उतराई लेना। तो केवट भैया, हमें तुम पार लगाओ अपनी उतराई पाओगे, हमें तुम पार लगाओ अपनी उतराई। जब दूसरी मेहरी अगर आ गई तो का दो चार पैसा से जिंदगी गुजर है जो बताओ। पथरा में पांव लगाओ, लुगाई बनाओ, दो मेहरिया हो जाए महाराज, और तुम कह रहे उतराई ले लो, आज तुम दे दे हो फिर कान से केखे भरोसे हो। हमारी तो सोचो है महाराज, समस्या एक नारी है घर में मेरी, खर्चा की बात हो तो बर्दाश्त करो। जब लड़ेंगी दोनों भगवान, जब लड़ेंगी दोनों भगवान, मेरी विनती मानो भगवान, उतराई न लूंगा भगवान, अब न चलेगी आप की वो मेरे सामने, रोजी रोटी चलती है बस नाम चलाने से, प्रभु में पाप उतारूंगा चरण पहले पखारूंगा, प्रभु में पाप उतारूंगा चरण पहले पखारूंगा। ओ मेरे केवट भैया, मेरे केवट भैया,
जाए प्रभु तुम्हें बिठाने से। सुंदर प्रस्तुति इसी पर आप हैं आदरणीय संदीप यादव अध्यापक जी, श्री सल्लेश्वर इंटर कॉलेज सरीला, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में और भक्तराज केवट के सुंदर अभिनय पर प्रभावित होकर प्रदत्त हो रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और देखिए यथा नाम तथा गुण, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरीला जैसी जगह में इस विद्यालय का होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद। केवट भैया तुम हमारा विश्वास करो, नाव ननारी, नाव ननारी बने तुम्हारी हमें बिठा दे, इतनी देरी क्यों करते हो पार लगाने में, तुम हमें पार लगाओगे अपनी उतराई पाओ, हमारा विश्वास करो, करो है तुम्हारा सो भोगौ लो, ऐसी फुसकार लगाई कि जाने कछुआ हते सो आदमी बन गए, जे डरे तब तुम्हारे इंतजार में लगे। हमने एक बात सुनी है। क्या सुना है? ये गांव बड़ा सत्संगी है, विचार जरूर करेंगे। किसी ने कहा है जिम हरि भजन न एकौ बाधा, जिम हरि शरण न एकौ बाधा। अगर व्यक्ति हरि की शरण में होता है तो कोई बाधा नहीं आती। एक समय में कछुआ था, जब इनके चरण छूने के लिए गया था तो फिर फुसकार आए, जिम हरि शरण न एकौ बाधा। जब हरि की शरण में कोई बाधा नहीं होती तो केवल जब कछुआ बन के पांव छूने गया था तो फुसकार क्यों? जादू है चरणों की रज में सही जादू की संसारी, कि हम पहले से जान चुके हैं होई है वही जो राम रचिरा। केवट भैया यहाँ जो कुछ होना है वो तो तुम जानते हो, आप न जाने क्या कह रहे हैं कछुआ फुसकार। अरे मैं अयोध्या से आया हूँ। अच्छा वापस जैसे आए हो तब ही ज्यादा खतरा है। केवट भैया राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगति नखे अलादि अनूपा, अगर तुम कहीं और से आए होते तो ये होता कि चलो ठीक है, लेकिन अयोध्या के राम जी से तो हम अच्छे से परिचित हैं। कैसे हैं वो राम, वो कैसे हैं? साधारण राजा के लड़का नहीं है, साधारण है हम। राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगति नखे अलादि अनूपा, एक राम अवधेश तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों है? एक राम अवधेश तुम्हारा, एक राम, एक राम, एक एक राम अवधेश। केवट भैया हम वही एक राम अवधेश कुमारा है, और हमें वन को जाना भैया, हमें वन को जाना भैया, नाव ननारी हो, नाव ननारी बने तुम्हारी हमें बिठाने से, इतनी देरी क्यों करते हो पार लगाने से, हमें तुम पार लगाओ अपनी उतराई पाओ।
बात है, बड़ी विचित्र बात है। ये कह रहे हैं एक राम अवधेश कुमारा, राम राजा का लड़का है, राजा ही का लड़का है हमारा। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान कर निज पद दीना, बिन भर बाण राम ते ही मारा, सत योजन का सागर पारा, सर सुबाह पावन कुनिचारा, अनुज निसाचर कटक सिंहा। ये सब तो बाद में हमें विद्याएं मिली, तोरे वो धनुष प्याल अब गाहा, तो ये सारे काम आप ही ने किए महाराज, हमने सब सुन रखा है। इसीलिए चरण रखे शिला में तुमने सुंदर नारी बन गई, रज धुलवालो राजा जी तुम्हाओ का जात है। अरे पांव धुलाओ महाराज तुम्हाओ का जात है, हमारे ही बन जाएंगे केवल भैया। हमारे चरणों की रज में क्यों संदेह करते हो, चरणों की धुलाई नहीं लई हो या चरणन की धुलाई ना लई हो, नौका में चढ़ी हो भाई, दोबारा नहीं। हमको ऐसा लग रहा है हमने तुम्हारी बात मान ली, हमको तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप हमारी बात मान रहे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है हमने मानी तुम मन मानी, हमने हमने मानी तुमने न मानी, हमने मानी हो हमने
तो तुम काय परीक्षा दे रहे केवट भैया। हम तो सीधी बात जानत, किसी ने कहा है यही सर आपत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। केवट भैया अगर कोई तुम तक पहुंच गया है तो फिर न परीक्षा ले। और अगर इसी सुंदर प्रस्तुति पर आप लोग बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति सुन रहे हैं, इसी पर प्रभावित हुए सावित्री बाई फुले शिक्षा मंदिर राग प्रबंधक जितेंद्र राजपूत जी केवट जी के लिए स्पेशल ये सौ पुष्प मुद्राएं प्रदत्त है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद केवट भैया। हमने हमने सुनी जो तुम्हारी वाणी, हमने सुनी जो तुम्हारी वाणी, एक बात तुम केवट भैया एक बात तुमको हमें है जनानी। क्यों तुमने हमारी एक न मानी, करते हो केवट मन मानी, बातन में हमें ना फसाइयो, बातन में हमें ना फसाइयो, हमें मार गंगा लगाइयो, बातन में हमें ना फसाइयो, हमें मार गंगा लगाइयो, बातन में हमें ना फसाइयो। हमने तुम्हें मान लिया है तो तुम्हें भी तो हमें मान लेना चाहिए केवट भैया। देखिए जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। अगर हमने तुम्हें मान लिया है तो तुम्हें हमें मान लेना चाहिए, लेकिन तुमने हमें नहीं मानो महाराज। अब हम चाहे कछुआ बनाते गिरगिट बनाते, देखो महाराज संसार में तुम ही कछुआ नहीं बन रहे हो, संसार में सबको कछुआ बनना है। हमें दुनिया की का परी महाराज, हम आई देखो तो लख चौरासी जब कट जाए, लख चौरासी लख चौरासी लख चौरासी जब कट जावे, तब मनुष्य को तन कहूं पावे, तब मनुष्य बंधौली वाली बुआ जी रोहित भैया की बुआ जी, आपकी ओर से ये 11 पुष्प मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री राम जी कह रहे हैं कि 84 लाख योनियां जब कट जाती हैं तब मनुष्य का शरीर में अवश्य, लेकिन महाराज हमने तो कुछ और सुन रखा। तुम कह रहे हो हम कछुआ बन जाते, हमने कुछ और सुन रखा है। क्या सुन रखा है? कर जेही पर परिस्थिति में हो, अगर उसका सत्य स्नेह किसी पर है तो उसे वही मिलेगा। जे ही का जे ही पर सत्य स्नेह सुनते ही मिले ना कछु संदेह। और यह है
मैया की बुआ जी छोटी गुलाइटी आपकी ओर से भी कीच पुष्पुर्दनाएं प्रदत्त है बहुत बहुत सात बार बहुत बहुत धन्यवाद। अब माला में अब माया में हमें ना फंसाइयो, अब तो चलो ठीक है जौन हो गई सो हो गई, भूल जाओ तुम भूल जाए हम भूल जाए, अब आगे ना हो ऐसो कछु हमें हमें ना फंसाइयो। आप हैं केवट बनाइयो, आप हैं आदरणीय श्री पीयूष पाल जी बरहारा से, ये स्पेशल केवट जी के लिए कीर्ति पुष्प मुद्राएं सादर समर्पण, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साथ। हम चाहते हैं कि माया केवट भाई माया में हमें ना फंसाइयो, रामे गंगा पारे ना जाइयो, हमें ना फंसाइयो केवट भैया हो तुमने लगा लगा के नौका सबको पार लगाए दौरे, तुमने चढ़ा चढ़ा के नैया सबको पार लगाए दौरे, तुमने चढ़ा चढ़ा के तुमने तुमने बना बना लुकैया सब थे ऐसे दिखाए दौरे बनाके, भैया तुमने बना से लाखे लुकैया सब थे आए जलाए दौरे, आपके शब्द नहीं समझ में आ रहे, आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा केवट भैया सुनो, राम मेरो है नाम, राम मेरो है नाम, राम मेरो है नाम, राम मेरो है नाम, अवधपुरी मेरो गाँव रे, जाने कितने पथिक आते होंगे, तो क्या आप सबसे कहते हैं कि ना बने रहियो यार, बने रहियो यार, हम रीता जैया बने रहियो यार, हम रीता जैया, हम विचार यह कर रहे हैं हमें ये पाव धोए हमें ये पाव धोए को कर दो हमरी काए सुनत नैया, सुनत नैया हमसे करे नैया, नैया हमसे करे नैया, नैया इन को कर दो उन को कर दो, क्योंकि आपके घाट में जो भी आते हैं आप उनसे परिचय तक नहीं पूछते और आप हमसे ऐसी बात कर रहे हैं। केवट भैया इनव को कर दो, इनव को कर दो, हमरी काए सुनत नैया, सुनत नैया हमसे करे नैया, नैया हमसे करे नैया, नैया
अगर ऐसा है गजऊ को कर दो अजामिल को कर दो, गजा गज और अजामिल की कथा तो सबने सुनी होगी। गजऊ को कर दो अजामिल को कर दो, हमारो काहे ना करत नैया। जब सबको कर दो चुका हमसे दुश्मनी है तुम्हारी, गज को जो कर दो अजामिल को कर दो, हमारी प्रभु ये सुनत नैया, सुनत नैया। ऐसे बने हैं सिया के सैया, ऐसे बने हैं सिया के सैया। केवट भैया रख रैया, बड़ी चतुराई आप दिखा रहे हैं। हाँ। हमें गंगा के पार जाना, मौके मौके की बात है, तुम तो आंखी ना खोलते होते। ऐसे परे थे आराम से आंखी नहीं खोलते, को आओ है काते कछु नहीं, को मतलब नहीं है। मैया बिनवा डुलाए रही, आराम से ससवाए रहे थे, आज फंसे हो आप उसे मिलने। कहां? वहीं हम तो तुम्हारे सामने बैठे हैं। ना सो उतरा हमारा, ऐसी फुसका लगाई थी ढुनगट ढुनगट देते गिर। कहना क्या चाहते हो? आप उसे मिलने गया था मैं सागर, हमको मिले थे ये सुख सागर। लीला को तुम्हारी यू जाना नहीं, लेकिन तुम्हारे छोटे भैया। किसने? लक्ष्मण। छोटे भैया ऐसी लगाई फुसकारी, ऐसी लगाई फुसकारी, चरणों से दूर हो गया। ऐसी लगाई फुसकारी, चरणों से दूर हो गया। आप उसे मिलने गया था मैं सागर, हमको मिले थे ये गुण सागर, हमको मिले थे ये गुण सागर। लीला को तुम्हारी जाना नहीं, लीला को तुम्हारी पहचाना नहीं। ऐसी लगाई अयोध्या से आए हैं, ना कि हमारा स्थान सागर, हम तो अयोध्या के राजकुमार हैं। केवट भैया हो माता पिता वर को पठाया, आज्ञा को उनकी मैंने निभाया। माता पिता वर को पठाया, आज्ञा को उनकी मैंने निभाया। तुमने अभी तक जाना नहीं, जाना नहीं, ऐसा मिला बनवास, ऐसा मिला बनवास कि मैं तेरे पास आ गया। ऐसा मिला बनवास कि मैं तेरे पास आ गया। हो 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 हो। हमने कहा था कि अपनी अपनी सबके परी, अपनी अपनी सबके परी। कह रहे माता पिता ने वन दिया है, हम यहाँ से जंगल आए, घर छूट गया, बार छूट गया, चलो अच्छी बात केवल। तो मैं अपनी परी, हमें अपनी परी की कब से परे थे तुम केवट भैया, मेरे सुन ले वचन। लहटी बारह खंभा राठ विजयपुर वाली भूगा, ये एहसान की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं केवट संवाद पर प्रदत्त है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद केवट भैया। और इसी सुंदर प्रस्तुति पर आप हैं प्रियंका भारती और जूही सविता, प्रीति सविता, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं इसी सुंदर श्री राम केवट संवाद पर प्रदत्त है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो अपने पास बुलाया,
पास बुलाते हैं। और आप हैं रामलीला समिति बरहरा की ओर से भी ये 21 पुष्प मुद्राएं इसी सुंदर चल रहे श्री राम केवट संवाद पर प्रदत्त है। हृदय से साधुवाद है आप सभी को भी, बड़ी तन्मयता से सुन रहे हैं, धन्यवाद। अगर ये क्रिया नहीं होती तो संसार का विश्वास जो है आपके प्रति कमजोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि नित प्रति व्यक्ति को कर्म करने चाहिए और जो सभी चीजों से मुक्त हो जाता है वही तो निर्मा पाता। निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर केवट ने आपको पा लिया था तब आपके चरणों की रज क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? अगर पा लिया था, क्योंकि आपको पाने वाला निर्मल हो तो जब मैंने वहां पाया तो मैं निर्मल था और आज पुनः पा रहा हूं, इसका मतलब आज भी निर्मल हूं। लेकिन वो नहीं मिल पा रहा जिसके लिए मेरा जीवन टिका हुआ। पहले तो अपने पास बुलाया लखन लाल ने, दूर बताया लखन लाल ने, तुमको मैंने पास बुलाया, लेकिन मीठी मीठी बातों में हमको फंसाया। और मीठी मीठी बातों में फांस लिया। इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं बहन माधुरी जी, जो कि बसरेही से आपका आगमन है, आपकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं इसी सुंदर प्रसंग का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो अपने पास बुलाया लखन लाल ने, दूर बताया लखन लाल ने, दूर बताया, सेवा का फल पाया हमने, राधो आ गए जाना हमने, राधो आ गए जाना हमने, लीला को तुम्हारी जाना नहीं, लीला को तुम्हारी पहचाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी हो, ऐसी लगाई फुसकारी इन चरणों से दूर हो जाना, ऐसी लगाई फुसकारी इन चरणों से दूर हो जाना। माता पिता ने वो पठाया। और आप हैं गंगा भैया की बुआ जी बरौली वाली, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं चल रहे प्रसंग पर प्रदत्त है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज देखिए, सुधी समाज है कि अगर माताओं की तरफ से पुरस्कार आने मन लगा इसका मतलब है कि वो लोग बड़ी तन्मयता से सुन रही है, तो थोड़ा देर का आनंद है, सुन रही सभी लोग तो बैठ लेते हैं। भैया गंगा मैया की, देखो महाराज हमारा सामान हमें नहीं बेचने का परेशान, हमारी नाव आए हमें नहीं पार करने का जबरदस्ती, और अगर जाने हैं महाराज तो पांव धोबाओ। अब पांव धोबाए में तुम्हें ठंड लगत हुए तो बताओ। केवट भैया भाई हम तो मांग रहे आपसे केवल पांव ही तो मांग रहे, पांव धोवाओ गंगा के पार जाओ, काय के परेशान हो, ऐसी धूप में चटकारी धूप है, जेठ दोपहरी को महीना। केवट भैया हाँ हम अवध से आए हैं, हमारा एक उद्देश्य है, हमें संतों की सेवा करना है। तुम्हें संतन और, की, और, तुम्हें संतन की सेवा करने से पांव धोवाए से क्या दिक्कत है? तुम संतन की सेवा करो पांव धोवा लो। केवट भैया तुम्हारा संशय व्यर्थ है, क्या कहीं चरणों की रज से नारी बन सकते? हम पक्के झूठा तुम पांव धोवाओ। केवट भैया हम अवध से आए हैं, हम वन को जाएंगे संतों के दर्शन पे।
यहाँ पहुंचे, रवि वहां पहुंचे, वहीं से लेंगे हम, बिल्कुल वहीं। बड़ी देर से आए हो, मेरे दिल को भाए हो, बड़ी दूर से आए हो, मेरे दिल को भाए हो। सीता लक्ष्मण को भी, सीता लक्ष्मण को भी प्रभु साथ में लाए हो। हम चाहते हैं कि अब बड़ा विलंब हो गया, सोई करू जे ही तब नाब न जाए। पति कमल धोई चढ़ाई नाथ, नाथ मुद्राई चहो, मोही राम राम रे आन दशरथ, सपत सब साची कहो। मैं आपके चरणों को धोकर के किसी प्रकार की कोई उतराई नहीं लूंगा, ये शपथ पूर्वक कहता हूं। उसके लिए चाहे लक्ष्मण जी आज गुस्सा हो जाए, हमें कोई चिंता नहीं। बरो तीर मारहु लखन पे, जब लगे न पाव पखारी हो, तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। भैया जब तक मैं अपने संशय को समाप्त नहीं करूंगा, तब तक पाव नहीं धोऊंगा और नग पार करूंगा। हम चाहते हैं बेकिया निचल पाए पखारू, होत बिलम उतारहु पार। आज आपको देख करके जीवन धन्य हो गया और आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। कठौता ले आऊं और आपके चरणों को धो लूं? अवश्य केवट भैया। मैं चाहता हूं महाराज आज ये काम अकेले नहीं करो, मैं अपनी लंगड़ी मेहरिया बुलाए ले और लड़कन का बुलाए ले। ए रे कतरुआ जल्दी आ रे, जल्दी आओ। और ये छोटी सी बच्ची बहन रानी की ओर से भी 11 पुष्प मुद्राओं से इसी सुंदर संवाद का सम्मान किया जा रहा है। हृदय से साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब लीजिए केवट राज का जो गंवार परिवार है, गंवार शिक्षा का अभाव कम है और जहां पर शिक्षा का अभाव नहीं होता वहां पर स्थिति क्या होती है आप लोग देखें। ले लो समय गटरुआ कहे रे, देख रे रे न कर कायदे में बात कर, कहे कहे न बात करो रे। मैं तोर बाप हूं रे, तुम हो तो लंगड़ा। हाँ तो लौंडा तो लौंडा के तारे रहो। हाँ तो बाप है तो बाप के तारे रहो। तो मैं तो हूँ, माँ तो हूँ ना मनिया। मारे ना मारे ना भला, लड़का सयानी ना कर। का कर ले यहाँ है लड़का सयानी कर, ये ना तुम उठा के तीन दही है दही मरी। अरे अरे लड़का हुई जाए आप बराबर, वही का समझो बाप बराबर। हाँ गलत संदेशा दे रहा है तो समझ ले मूर्ख प्राणी, मैं तुमको भस्म कर दूंगा। मनारी पावन हे प्रभु ये क्या हुआ ए बड़ा नु 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 मैं हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं। लगता है मुरारी जी की आत्मा से पिघलते नहीं है, लुढ़क चाहे जाए। अच्छा लेकिन अब नहीं यही सही बता रे। चूड़ी फोल ले मरू हम कहा, तो घाट बनो कर दे
गंगा के घाट में। अच्छा गंगा के घाट में बुलाओ अपने परिवार का, बुलाओ सबका गंगा के घाट में। और वह का जगाल है वो जो परी है। हाँ आगे आगे हाँ नहीं संकेत करो समिति जाएगी। ए हिया बप्पा बुलाओ थे काहे है काहे काहे थे खंती खो देगा काहे को काहे को काहे को है। सुन तो मुंह से न कहो नहीं मैं चीज चले तो शुरू कर रही हूँ। बप्पा से बोला दोनों जने ए सुनो क्या क्या कह रही थी सुनो सुनो भगवान अपने घाटे आए हैं उनका रिझावे का उनका सेवा करेगा उनके पांव धुलेगा। भगवान बता कौन भगवान है? वही भगवान जो पानी बरसावत है। देखा लाठी मार के भाई आ गया कहे तो एक तो रामलीला जबरदस्ती हम जूझ रहे बताओ हमारी हमार मौसी नाच न पाई। ए तोर अम्मा कहाँ रे? अम्मा के बिटिया भे सार में कुतिया बयान। अम्मा के बिटिया भे कुतिया मा ले भाई पकड़ रे काया बमात्रा है दद्दा तो रात दिन बमात है। दद्दा जोलम मोह देख ना ले ना बमाते ही रहा कहे भाई ये बमाते माँ का बारह जन बारह भाई हैं सत्रह बहनी हाँ काया रे काया चिल्ला रहा है ये तो बेइज्जती करे दे रहा है। दिमाग सही है कि नहीं? तो ये पहले बता अगर मैं अकेले हो तो ना ठीक रहा है दस भाई हैं बारह था ये बहनी है या मोर काम अबे काम है मोर काम न हो भला या मोर व्यवस्था की का दे अब तुम्हारे खातिर या लहे हूं मैं। अब अगर चुप्पा ना रहे भला कहे बुलाओ अपने घाट में भगवान आए हैं। भगवान आए हैं भगवान हाँ कैसे हैं भगवान कैसे हो तो उसे तो सुंदर है मुझसे सुंदर मुझे लड़का से सुंदर न हुई है यहाँ से या कतरगस खूबसूरती गटरुआ से सुंदर है क्या या से नीक है। हाँ या से तो नीक है अपना अपना नहीं केवल अपना दो अपना दो करो सुधार ये अपना करो सुधार नहीं अपना दो करो सुधार तब मिटेगा भ्रष्टाचार दोनों के बीच का भ्रष्टाचार। सुनो हमारा भ्रष्टाचार तो मिटा है तुम अपने साथ करो पढ़ो कहा भगवान देखो देखो ये आ गए भगवान जय हो ये है भगवान आओ इनके यहीं बैठ जाओ भगवान आवा चलो इनके पांव छुओ भगवान इनके पांव परे जाते हाँ पांव परे जाते पांव छू ले बात नहीं जय हो भगवान हाँ छू ले भगवान दिया इनका बुद्धि गंवारा सब सुधर जाए कौनो दिन मो यहाँ थन मारी ना जाए जो पता चले मऊ अंदर हो जाए स्वामी बुद्धि आ गया। अरे ये तो स्वामियां कहा था अब का अब है तो सवेरे से शुरू होत रहा है काय ठठरी बरे आ गओ अब आती स्वामी अब बुद्धि में पत्थर नहीं सुधर गई सुधर गई। एक काम करो हाँ ये बात ठीक है जब जागो तब सवेरा भगवान के पांव छू ले और इनके पांव पता है इनके चरणन से पत्थरा नारी बन जाता
पथरा नारी बन जाती तो खतरे के है। अगर साथ में झूली लो अमर नारी बन गए तो बेटा पता लगी तोरते कहो जियो जियो रे लला तोर जियो रे लला है ए बधाई दे दियो। वो नारी बनते हैं तो ना तो मैं उमा उसायत नारी बन गया तो देखो भगवान जड़ को जीव बनाते हैं जीव को जड़ नहीं बनाते। अच्छा तो ठीक जड़ ही करे चैतन्य भगवान जड़ को चैतन्य करते पांच छू ले मोर मतलब ये रहा।